आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज तेजस्वी यादव का जन्म दिवस है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव आज 31 साल के हो गए हैं। इस बीच उनको बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बिहार के इस युवा राजनेता को जन्मदिन पर उनकी पार्टी गठबंधन के नेता से लेकर परिवार तक के लोग तक ने बधाई दी। आपको बता दें कि रविवार की रात 12 बजे से ही तेजस्वी यादव ने अपनी मां राबड़ी देवी और परिवार के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में बर्थडे केक काटा। उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर उनको बधाई भी दी। उन्होंने लिखा कि बिहार के भावी मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतना राम रमान जी ने भी उन्हें युवा नेता कहकर बधाई दी। बधाई देने वालों में उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव सहित राज्य के अलग अलग हिस्सों से कार्यकर्ता भी शामिल है। आप सभी जानते तो होंगे ही कि बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 10 नवंबर यानी कि कल मंगलवार को निकलेगा। सभी दलों का चुनाव परिणाम पर ही नजर है। शनिवार को तीसरे और अंतिम चरण की वोटिंग के बाद एग्जिट पोल सामने आए। तमाम एग्जिट पोल में एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर दिख रही है। एग्जिट पोल ने महागठबंधन की सरकार के आसार जाहिर किए हैं। इन सबके बीच नजरें महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर है। बिहार के चुनाव को देखें तो यह कई मायनों में दुनिया भर में खास रहा है। कोरोना संकट के बीच जहां कई देशों में चुनाव नहीं किए हैं, वहीं बड़े आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। वहीं भारत के बिहार में राज्य में चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान करके सकुशल चुनाव भी संपन्न कर दिए। चुनाव संपन्न होने के बाद नजरें तेजस्वी यादव पर है। अधिकांश एग्जिट पोल के अनुसार तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर तेजस्वी यादव सीएम बनते हैं तो वो इस पद पर पहुंचने वाले बिहार के सबसे युवा मुख्यमंत्री होंगे। अब तक यह खिताब 1968 में बिहार के कार्यवाहक सीएम रहे सतीश प्रसाद सिंह के पास था। सतीश प्रसाद सिंह 32 साल की उम्र में बिहार के सीएम बने थे। तेजस्वी यादव का जन्म 9 नवंबर 1989 को हुआ था। उनकी उम्र आज सोमवार को जन्मदिन के बाद 31 साल हो गई है। बिहार के विधानसभा चुनाव का नतीजा तो मंगलवार को आएगा, लेकिन उससे पहले की राजद नेता तेजस्वी यादव की तारीफ में कसीदे पढ़े जाने लगे। आज जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने तेजस्वी यादव को बधाई दी। साथ ही भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए पर जोरदार हमला भी किया। उन्होंने किसी का नाम ना लेते हुए मगर ये कहा कि उनका हाल वही होगा जो ट्रंप का हुआ था। एएनआई के मुताबिक एक कार्यक्रम में महबूबा ने कहा कि मैं तेजस्वी को बधाई देना चाहूंगी कि इतने छोटे होने के बावजूद विपक्ष में होने पर उन्होंने नैरेटिव सेट किया। रोटी कपड़ा रोजी मकान और इनकी आर्टिकल 370 35 ए जमीन खरीदो नहीं चला। आज इनका वक्त है, कल हम सबका वक्त आएगा और वही होगा जो ट्रंप के साथ हुआ है। आगे आपको बता दें कि एग्जिट पोल का रिजल्ट आने के बाद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद ने भले ही अपने विरोधियों को चौंका दिया हो, लेकिन चुनाव का रिजल्ट आने के पहले पार्टी अपने अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को जमानत नहीं मिलने से निराश है। इसलिए पार्टी 10 नवंबर को चुनाव के रिजल्ट में जीत हासिल होने के बाद भी मुखर होकर जश्न नहीं मनाएगी। पार्टी ने रविवार को एक पत्र जारी कर अपने कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों को हिदायत दी है कि जीत के उल्लास में रंग अबीर गुलाल आतिशबाजियां आदि ना इस्तेमाल करें। रिजल्ट आने के बाद शांति से वे अपना जश्न मनाएंगे। पार्टी ने कहा कि 10 नवंबर को महागठबंधन के साथ बिहार की जनता की शानदार जीत होने जा रही है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद जिस दिन हम सबों के बीच आएंगे, उसी दिन हम सबों की दिवाली और होली मनेगी। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव को 9 नवंबर को जमानत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर अब 27 नवंबर को सुनवाई होगी, इसलिए पार्टी निराश है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या तेजस्वी का तेज दिखेगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई तीसरा चेहरा या दल बाजीगर बनकर उभरेगा। यह मंगलवार की सुबह 9:45 बजे मतगणना के पहले रुझान के साथ ही तय हो जाएगा। आगे ही खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, आप बस जुड़े रहें जेके न्यूज नेटवर्क के साथ। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।